भैया दूज की पौराणिक कथा। भैया दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की दो संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती, लेकिन व्यवस्थता के कारण यमराज उसके घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कराया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा दिल से आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और भाल पर तिलक लगाया। जब यमराज वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन हर साल आप मेरे यहाँ आया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ यमराज ने यमुना को ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो उन पर मेरा प्रकोप नहीं रहेगा। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। कहते हैं तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। कहते हैं जो पुरुष यम द्वितीय को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे विविध प्रकार के सुख मिलते हैं।